सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप? मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। 27/12/2022 आज की दिनांक और प्रति श्रीमान दामोदर जी यादव, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश। दोस्तों, अतिथि शिक्षक वर्ग की बात करते हैं। लगातार प्रयासरत है अपने नियमितकरण की मांग को लेकर और सोच रहा है कि किसी न किसी तरह सरकार तक ये बात पहुँच जाए हमारी कि हम कितने परेशान हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक। और यहाँ पर एक ज्ञापन दिया है कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष हैं दामोदर जी यादव, उनके लिए। और क्या कहा है अतिथि शिक्षकों ने, क्या उनकी मांगे हैं, क्या सरकार को अवगत कराना चाहती हैं, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। अतिथि शिक्षकों के मांगों व समस्याओं को आपके द्वारा सरकार तक पहुँचाने बाबत सेवा में उपरोक्त विषय अंतर्गत क्रम में लेख है कि विगत 14 वर्षों से अतिथि शिक्षक नियमित शिक्षक की तरह कार्य कर रहे, लेकिन आज तक हमारे भविष्य को सुरक्षा प्रदान करने से भाजपा सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए कई अतिथि शिक्षक परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिए हैं। अतिथि शिक्षक अल्प मानदेय पर विद्यालय का हर कार्य गुणवत्तापूर्वक तरीके से भली भांति कर रहे हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि हम अतिथि शिक्षकों का भविष्य को देखते हुए आप हमारी मांगे व समस्याओं को भाजपा सरकार व विधानसभा सदन के समक्ष रखने की कृपा करेंगे। हमारी प्रमुख मांगे निम्न अनुसार है। तीन मांगों का यहां पर बिंदु दिया गया है भाइयों। पहला जो बिंदु है महत्वपूर्ण है, अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की तरह सेवा सुरक्षा देकर विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जाए। दूसरा बिंदु है अतिथि शिक्षकों को 12 माह का वेतन देते हुए व पद को रिक्त ना माना जाए और 62 वर्ष सेवा सुरक्षा प्रदान किया जाए। तीसरा बिंदु है महंगाई स्तर को देखते हुए हमारा मानदेय दोगुना किया जाए। बात करें 2022 की तो महंगाई कई गुनी बढ़ चुकी है। 14 वर्षों से अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं भाइयों और 14 वर्षों में महंगाई आसमान में पहुंच गई है। और लेकिन अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय बहुत कम है, वर्ग एक में 9,000, वर्ग दो में 7,000, वर्ग तीन में 5,000। इसके बाद में जो क्राइटेरिया रहता है छुट्टी का, यानी जो हॉलीडे पड़ जाता है तो उसका मानदेय काट लिया जाता है। तो यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष जो हैं प्रियंका जी, इन्होंने ये ज्ञापन दिया है। और समस्त अतिथि शिक्षक जो हैं जिला अध्यक्ष दोस्तों, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के नए नए अपडेट आते हैं मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।